हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा अकाडमी। नमस्कार, इधर आज फिर से मैं आप सबके लिए एक न्यू वर्ड लेके आ गई हूँ जिसका मैं मीनिंग अभी इंग्लिश में क्या होता है बताऊंगी। बट आज का न्यू वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप सबको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि आपके फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए। और एजुकेशन से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सब मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई या तो कमेंट बॉक्स में दूंगी या तो कोई स्पेशल वीडियो बना के डाल दूंगी, तो क्वेश्चन जरूर करना। तो चलिए चलिए आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्वेश्चन है विचार। तुम्हारा विचार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तुम्हारा विचार हमेशा अलग होता है, तो इस विचार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, इसका इंग्लिश जान लीजिए, फिर आप सबको विचार यूज नहीं करना है, आप सबको इंग्लिश का वर्ड यूज करना है। तो विचार का इंग्लिश होता है थॉट, एंड थॉट का स्पेलिंग है TSOUGHT, थॉट, TSOUGHT, थॉट। तुम्हारा थॉट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम्हारा थॉट मुझे कभी पसंद नहीं आया। तो इस तरह से आप सबको ये वर्ड को यूज करना है। आई होप वीडियो आप सबको हेल्पफुल है। वीडियो हेल्पफुल होगी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मित्र बने के साथ, तब तक के लिए बाय।